ये भजन मिट्टी की जो बाइट है जो कि हम थोड़ा सा भाइयों के साथ शेयर करने लगे हैं, ये चेक कर लें। ये प्योर मिट्टी, ये लाल, ठीक है ना। इसमें मतलब जिसको चीकनी कहते हैं थोड़ा सा, ये वो है, इसमें कसू नहीं है, ये सादी प्योर मिट्टी है, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको ऐड करके दिखाते हैं, क्या क्या चीज़ें, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाल दाल, ठीक है। ये खसखास, ठीक है। ये पीली दाल, मूंगी की दाल, दाल मूंग, और ये बिल्कुल छोटी गनी है जो टोटा चावल की होती है वो है। अब इसके बाद जो है इसके अंदर जो कि इसको पकड़ करेगा पूरा मिट्टी को बना के रखेगा वो है ये लाजवंती, ठीक है। कौंडड़ी थोड़ी रखनी है इसमें, नहीं जी। अब इनको हम सबको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा पानी दिखा, जो मिट्टी का जो मेन फार्मूला है वो ये है, जिसको जो स्मेल करेगा इसके अंदर, ठीक है। भैया भैया हो गए ना, तुही सही कहते, सारा कमाल ही है ना। कमाल स्मेल निकली है। भाई साहब फिर हाथ थामने लग गए मिट्टी को देखने, ऐसा लगा किन्नी देर नाल जनाब रुकया रहा, 10 से 15 मिनट। सेम लाइक थोड़ी 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद अपनी बाइट चेक कर दो, उन्ना की टाइम है जो वो थोड़े अपने एम लाई करनी सर, ठीक है। समझ आ गई, आटे आ रहे हैं मलाई, हाँ जी। बर्तन छोटा है ना, ता दूंगा हाँ, बस थोड़ा मस ਉਨੀ ਕੁ ਨਰਮ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਮ, ਹੈਂ ਦਹਾਨਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਆਖਰੀ ਫਾਈਨਲ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੀਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ। ਵੜ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੁਣ ਗੁਣ ਕੇ ਗੁੰਜੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਅ ਜੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਬਲੇ ਚਾਵਲ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸੱਚ। मिट्टी का चेक कर लो क्या बात, पूरा आटा बनया है जी, पूरा आटा बनया है ना। नहीं हले इनू मलना पैना, चावल नहीं ना दादवा, चावल नहीं है नाले, लाजवंती मेरा थोड़ा जे काट लाजवंती पा लो ना, थोड़ी जी और कढ़ाई कर लो, पा तार नहीं कटी एंदे कढ़ना बट साहब थोड़ी, अच्छा तार निकलनी चाहिए है, फिर काम में मिट्टी तैयार, हां जी फिर मिट्टी तैयार, मतलब हल्का है ना।